सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्या जानकारी मिली है और इंसिडेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, बहुत दुखद घटना है और डॉक्टरों के हिसाब से 90% जल गई है लड़की, बचना मुश्किल बता रहे हैं। अब आप देखिए, हैदराबाद से लेकर उन्नाव तक यही है मोदी और योगी का असली चेहरा, जहां बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और उन्नाव में कोई ये पहली घटना नहीं है, अभी एक पीड़िता मौत से जूझकर परिवार के लोगों को खो करके बैठी है, न्याय नहीं मिला है अभी। और वो किसका विधायक है? यही भारतीय जनता पार्टी का, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज जो घटना हुई है, उस बेटी के साथ पहले बलात्कार होता है, उस बहन के साथ पहले बलात्कार होता है, और बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण, वहाँ के बड़े नेताओं का संरक्षण, बिहार थाने में वो लोग बैठकर थाना चलाते थे, जो बलात्कार करते हैं वही थाना चलाएंगे तो न्याय कहाँ मिलेगा? आज उत्तर प्रदेश में किसी लड़की के साथ, किसी बेटी के साथ अगर बलात्कार होता है और वो न्याय की गुहार अगर वो लगाती है पुलिस के सामने या योगी सरकार के सामने, तो न्याय के बदले में या तो उसके परिवार के लोग मारे जाते हैं या उसको जिंदा जला दिया जाता है। ये कौन सा कानून है? मैं तो कहूँगा योगी जी, कम से कम आप अपने नाम के सामने योगी लिखना बंद कर दीजिए, भगवा पहनना बंद कर दीजिए। ये भगवा पहनने वाले लोगों के राज में अगर इस तरीके से बहन बेटियों के हालात होंगे, उनको जिंदा जलाया जाएगा, तो बताओ कहाँ कानून? लेकिन इस बेटी के साथ, इस बहन के साथ समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों को भेजा, कहा है कि उसकी मदद करनी है। हम लोग, पूरी पार्टी उसकी मदद के लिए खड़ी है। जो उसके इलाज का खर्चा आएगा, वो समाजवादी पार्टी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश दिया कि वो समाजवादी पार्टी उसका खर्चा उठाएगी। लेकिन हम डॉक्टरों से भी अनुरोध करेंगे कि उस बहन को किसी तरीके से बचा लें। सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार से, ये तो हैदराबाद से बड़ी घटना हो गई, जो विक्टिम थी उसी को जिंदा जला दिया गया। पहले मारा जाता है, चाकू मारे जाते हैं, उसके बाद पेट्रोल डाल के जला दिया जाता है। तो योगी सरकार से क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं तो यही कहूँगा कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बलात्कारियों की सरकार है। जो अपने आप को योगी कहते हैं उन्हें शर्म आना चाहिए, और अगर वो बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में क्या कोई बहन बेटी चल सकती है? अकेले चल सकती, कहीं जा सकती है? कोई सुरक्षित नहीं है, ना तो वो पुलिस के चौकी में सुरक्षित है, ना अपने घर में सुरक्षित है, ना रास्ते चलते सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश में अंधा कानून है, रावण राज से भी खतरनाक राज उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कहा कि समाज में ज्यादा बलात्कार होते हैं, ये आंकड़े भी होंगे। डीजीपी साहब को शर्म आनी चाहिए और अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतने निचले स्तर पर उनको नहीं गिरना चाहिए। अगर वो सच में अपने पद की जिम्मेदारी निभाते तो आज उन्नाव की बेटी के साथ ये हालात नहीं होते। और हम तो ये कहेंगे डीजीपी साहब से, अगर सरकार के भजन करने हैं तो ये वर्दी उतार दीजिए, वर्दी उतार के इस तरीके की बात करिए। सुनील जी, हद तब हो गई जब अपराधी जेल से छूटते हैं और दिनदहाड़े पे कानून का खौफ काम हो जाता है। नहीं, जेल गए कब? जेल जाता कौन है? जेल तो वो जा रहे हैं जिन पर कोई आरोप नहीं है, इनकाउंटर उनका हो रहा है जिन पर कोई मुकदमा नहीं है। आप सोचिए, जो उन्नाव के आरोपी हैं इनकी गाड़ियों में झंडा किसका लगा है? एक तरफ कमल का फूल, एक तरफ योगी जी की तस्वीर। आज उत्तर प्रदेश में कोई भी बलात्कारी योगी जी की तस्वीर लगा के बलात्कार कर रहा है, योगी जी की तस्वीर लगा के लड़कियों को जिंदा जला रहा है। योगी जी को उसके बावजूद भी शर्म नहीं आ रही है? उन्हें शर्म आनी चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनको स्थिति